अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मीठी ईद बस आने ही वाली है और मीठी ईद को मजीद मीठा बनाने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार और मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। और आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल, मैं आज बहुत मजेदार सा और स्पेशल सा शीर खुरमा बनाने जा रही हूँ। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 कप या 1 लीटर दूध ले लिया है, फुल फैट मिल्क है, और उसे बॉईल कर लिया है। अब मैं इसे दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफर करूंगी और हल्की आंच पर इसको रख देंगे। तकरीबन 5 से 8 मिनट तक ये अपना उबलता रहेगा, पकता रहेगा हल्की आंच पर। दूध को मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है और यहाँ पर अब हम पैन में 2 खाने के चम्मच लेंगे देसी घी। मैं देसी घी ले रही हूँ, आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये ले लिया, इसे गर्म करेंगे। हमें अपने नट्स को फ्राई करना है इसके अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि वो जल जाएं, बस उसका कलर चेंज हो जाए और बहुत अच्छी सी उसमें से खुशबू आने लगे। ये देखिए, मैंने इनको चॉप कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास तो कुछ नट्स हैं। इसमें मैंने काजू लिए हैं, थोड़े से पिस्ते हैं और बादाम हैं, ये छुआरे हैं। इन्हें मैंने रात भर सोक कर दिया था पानी में और अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे नट्स फ्राई हो गए हैं। देखिए, इनका कलर भी लाइट सा चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत मजेदार सी आ रही है, सोंधी सोंधी सी। चलिए, बस मैं अब इनको निकाल रही हूँ। अब यहाँ दोबारा सेम पैन में थोड़ा सा घी और लेंगे, मैं बस 1 खाने का चम्मच और ले रही हूँ। और अब यहाँ पर हमें अपनी सेवैयाँ इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा, याद रहे कि फ्लेम जो है बिल्कुल लो है, बिल्कुल धीमी आंच मैंने रखी हुई है, उसी पर हम इसे फ्राई करेंगे। और नट्स जो मैंने रोस्ट किए थे वो मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे किए थे, लेकिन हमें सेवैयाँ जो हैं बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करनी है, क्योंकि ये बड़ी नाजुक मिजाज होती हैं। ज़रा सा आप इनको आंच देंगे ये चल जाएंगी। जी बिल्कुल, चलिए अब इसको लाइट सा रोस्ट करेंगे, सॉरी फ्राई करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर हमारी सेवैयाँ भी फ्राई हो गई हैं। इसको भी रखते हैं अब एक साइड पर और वापस आते हैं दूध की तरफ। यहाँ पर दूध को पकते हुए भी तकरीबन 8 से 9 मिनट 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर अपने फ्राई किए हुए नट्स ऐड करेंगे इसके अंदर, ये चलेगा इसमें। और इसके साथ ही यहाँ पर जो हमने सेवैयाँ रोस्ट करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये देखिए, इलायची पाउडर चला गया। अगर इलायची पाउडर नहीं है आपके पास तो 3 इलायची, सब्ज इलायची जो है, छोटी इलायची, वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं इसे रिच फ्लेवर देने के लिए ये कंडेंस मिल्क है 1/2 कप फुल भर के मैंने दिया है, ये इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। अगर आप इसे ऐड करना नहीं चाहते तो फिर आप इसमें शुगर ऐड कर लीजिएगा 1 कप। चलिए, इसमें तमाम चीज़ें चली गई हैं और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक और बिल्कुल लो फ्लेम पर। चलिए, मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं सिवैयों को पकते हुए और अब ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं। सिवैयाँ भी पक गई हैं और जो नट्स थे वो भी पक गए हैं, सब आपस में अच्छे से मर्ज हो गए हैं। बस मुझे इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको गाढ़ी करनी हो तो और गाढ़ी कर लीजिएगा, बल्कि अगर आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे ना तो रखे रखे भी गाढ़ी हो जाती है। चलिए, बस अब इसे सब सर्व करते हैं। और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपनी ईद को मज़ीद मीठा बनाना है, इंजॉय करना है। चलिए, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।